काशी जी माही की नब्ज देखकर शांत हो गए और लड़खड़ाते हुए सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। तभी वीर सिंह बोला, पिताजी क्या हुआ है माही को, बोलिए ना। काशी जी ने वीर सिंह के इस सवाल पर उसे भरी हुई आंखों से देखा और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। काशी जी के इस तरह के रिएक्शन पर वीर सिंह समझ गया कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन ये सच जानकर भी वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी माही को कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चेतन माही को गोद में लटाए बिल्कुल सूख चुकी पलकों से काशी जी और वीर सिंह को देख रहा था। वो हल्के से माही को हिलाते हुए बोला, उठो उठो ना माही, देखो ये कैसे बच्चे की तरह रो रहे हैं, उठकर समझाओ ना इन्हें, प्लीज उठ जाओ। चेतन ये यकीन ही नहीं करना चाहता था कि माही उन सभी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। काशी जी अचानक खड़े हुए और रोते हुए चेतन को गले लगाकर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। वो तीनों ही रो रहे थे कि अचानक घायल अजन्नाथ कराते हुए उठा और हंसते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना कि चेतन मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि ना तो तू जी पाएगा और ना तो तू मर पाएगा और ना जान पाएगा कि मैंने किया क्या है। जा मना अब अपनी प्रेमिका का शोक। ये कहते हुए अजन्नाथ चेतन को देख और जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ जैसे ही अजन्नाथ की हंसी चेतन के कानों में पड़ी, वो तुरंत माही का सिर अपनी गोद से उठाते हुए गुस्से से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से आग बबूला चेतन चीखते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसे पास ही पड़ा वो खंजर नजर आ गया। चेतन ने भाग कर खून से सने उस खंजर को उठाया और पूरी ताकत से बिना कुछ कहे अजन्नाथ की ओर फेंक दिया। लेकिन अजन्नाथ ने अपनी मुट्ठी में बंद कुछ मिट्टी, जिस पर उसने पहले से मंत्र पढ़ रखा था, तुरंत अपने सामने फेंका, जिससे एक बड़ा सा धुएं का गुबार उठा और अजन्नाथ उस धुएं के पीछे गायब हो गया और चेतन की वार से बच गया। वो अपने साथ को लॉकेट और तारक जल कलश दोनों ले जा चुका था। उसके जाते ही चेतन जोर से चीखा और फिर घुटने पर बैठ माही का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगा। काशी जी और वीर सिंह ने आकर उसे गले लगा लिया। तभी काशी जी उसे उठाते हुए बोले, चलो चलो चेतन घर चलो, अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन चेतन वहीं सन्न बैठा रहा। कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद चेतन झटके से खड़ा हुआ और पास ही पड़े माही के दुपट्टे को उठाकर उसके गले में डाल दिया और रोते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम हमें छोड़कर जा सकती हो माही, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत कब दी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, चलो चुपचाप उठो और घर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चेतन की स्थिति देख वीर सिंह और काशी भी गहरे सदमे में चले गए थे। कुछ देर तक वो चेतन को देखते रहे, लेकिन जब उनसे रहा न गया तो वो खुद को संभालते हुए वीर सिंह के करीब आए और बोले, जानी को उठाओ, वीर सिंह हमें घर चलना है, मैं खंजर ले आता हूँ। इतना कहते हुए काशी जी खंजर को उठा लाए। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन आज ना तो वातावरण में कोई खुशी थी, ना कोयल की आवाजें, ना दूसरे पक्षियों का मधुर संगीत। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मौसम मातम में डूब चुका है। चांदनी को होश आ चुका था। वो वीर सिंह के कंधे के सहारे से लड़खड़ा कर चलने लगी। चेतन भी दुखी मन से माही को गोद में उठाए सबसे आगे और वीर सिंह चांदनी समेत काशी जी उसके पीछे चल रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके पीछे चलने लगे। जब वो लोग घर पहुंचे तो घर के सामने लोगों की भीड़ लग चुकी थी। चेतन माही को घर ले आया और आंगन के बीच पड़े पलंग पर लिटा दिया और वहीं जमीन पर उसके सिर के पास बैठ गया। दूसरी तरफ आंसुओं में डूबा वीर सिंह माही की ओर देख रहा था।
तभी काशी जी वीर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर रोते हुए बोले, वीर बेटे तुम्हें बहू पर नाज होना चाहिए, मेरी जिंदगी बचाकर वो मुझे अपना कर्जदार बना गई। मैं मरते दम तक उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारी पत्नी को और माही को बचा नहीं पाए। ये कहते हुए काशी जी गर्दन झुकाए और जोर से रोने लगे। तभी वीर सिंह अपने आंसू पोंछते हुए बोला, सब हमारी गलती है, ये सारा किस्सा अर्पणा को घर से निकाल देने के बाद शुरू हुआ। अगर हम उस दिन अर्पणा पर भरोसा कर लेते तो वो और हमारी बहन दोनों जिंदा होते। अब तो कुछ भी नहीं लौट सकता पिताजी, सब खत्म हो गया। ये कहते हुए वीर सिंह भी फूट फूट कर रोने लगा। चेतन माही के सिर के पास बैठ मन ही मन वो सब पल याद करने लगा जो उसने माही के साथ खुशी के पल में बिताए थे। उसे याद आया जब वो पहली बार घर में आया था तो उसकी पहली मुलाकात घर के बाथरूम में हुई थी, जहां वो बिना सोचे समझे बाथरूम में घुस गया था, और फिर किस तरह माही बाहर आने के बाद उस पर चिल्लाते हुए उसे डांट रही थी। उसके चेहरे पर पानी की वो बूंदे, उसके भीगे बाल, चेहरे पर आया वो गुस्सा, उसे सब कुछ याद आ रहा था। चेतन वो पल याद कर भीगी आंखों के साथ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद चेतन की आंखों के सामने वो पल भी आकर ठहर गया जहां माही ने अपने प्यार का इजहार किया था, वो भी बड़े ही फिल्मी अंदाज में। चेतन को बहुत अच्छे से याद था कि उस रात वो अपने कमरे में सो रहा था जब माही उसके कमरे में आई थी, फिर दोनों टकराकर जमीन पर गिर पड़े थे और उसके बाद उन दोनों की तीखी बहस हुई। तभी अचानक माही बोल पड़ी थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद चेतन ने भी उसकी आंखों में देखकर अपने प्यार का इजहार किया था। फिर खुले आसमान के नीचे उनका घंटों बातें करना, बारिश में भीगना, फिर जोर से बादल का गरजना और माही का चेतन के गले लग जाना, वो सब कुछ उसे अच्छी तरह से याद आ रहा था। और ये सब याद कर चेतन दुख में भी हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ आंसू बहा देता और फिर अचानक रोते हुए मन ही मन बोला, मुझे विश्वास नहीं होता माही, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, साथ जीने मरने की कसमें तोड़ तुम मुझे यहाँ अकेले ही छोड़कर चली गई। एक बार के लिए तो हिम्मत रखी होती, अब बोलो मैं कैसे जीऊं तुम्हारे बिना। इतना कहते हुए चेतन की आंखों से बहती आंसुओं की धार और ज्यादा गहरी हो गई। वो घर में जहां भी देख रहा था उसे हर तरफ बस माही और उसके साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वो अपनी जगह से उठते हुए यहां वहां देखने लगा। तभी वीर सिंह उसे रोकते हुए बोला, चेतन बस भी करो, इतना रोकर मेरी बहन को और तकलीफ मत पहुंचाओ, जाने दो उसे। कहते हुए वीर सिंह की आवाज लड़खड़ा गई और वो चेतन के गले लग गया। तभी काशी जी थोड़ा आगे आए और वीर सिंह को चेतन से दूर हटाते हुए बोले, बेटे चेतन के इस दुख का उसके मन से निकल जाना बहुत जरूरी है, वरना वो अपने आप को खो देगा। जैसे ही काशी जी ने बात कही तो वीर सिंह चेतन से दूर हट गया। चेतन थोड़ा आगे बढ़ा और सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया। तभी लड़खड़ाते हुए चांदनी वहां आ गई। रो रो कर उसकी आंखें भी लाल थी। उसने चेतन को कंधे से पकड़ लिया और अपने मन का दुख उड़ेलते हुए बोली, चेतन ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं वो लॉकेट चुराती, ना वीर भैया भाभी को घर से बाहर करते, और ना ही खेल शुरू हुआ होता। मैं तो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूँ चेतन, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से माही तुम्हारे साथ नहीं है। चेतन ने चांदनी की बात पूरी तरह से सुनी लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। रो रो कर उसकी आंख के आंसू खत्म से हो गए थे और वो एक टक सीढ़ी के पास से माही के कमरे को देख रहा था। उसने एक पल मुड़कर चांदनी को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये हम सब की किस्मत में ही लिखा हुआ था चांदनी। इतना कहकर चेतन कुछ पल के लिए ठहर गया और दोबारा बोला, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ?
मैं अक्सर इस खिड़की से सुबह सुबह मेरी माही को सोते हुए देखता था और हमेशा यही कहता था कि सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, वरना तो वो हमेशा ही लड़ते रहती है। ये कहकर चेतन उत्साह से उसे चांदनी के कमरे में ले गया और उसके पलंग के पास पड़े टेबल पर रखी डायरी दिखाते हुए बोला, पता है ये उसकी डायरी है, मैंने पढ़ी तो नहीं कभी क्योंकि वो हमेशा इसे मुझसे छुपा कर रखती थी, लेकिन पक्का बोल सकता हूँ आधे से ज्यादा मेरे बारे में लिखा होगा। इसके बाद चेतन थोड़ा और आगे बढ़ा और चांदनी को कुछ चूड़ियां दिखाते हुए बोला, ये देखो जिंदगी में पहली बार उसे कोई गिफ्ट दिया था लेकिन उसे इनका रंग पसंद नहीं आया था, फिर भी उसने इन्हें इतना संभाल कर रखा था। इसके बाद चेतन माही के कमरे की हर एक चीज को छूता हुआ उसके साथ जुड़ी हर एक मेमोरी चांदनी के साथ बांटने लगा और इसी यादों के सिलसिले में कुछ घंटे बीत गए। आखिर में वो दोनों कमरे से बाहर आ गए और आंगन में बने पिल्लर से टिककर चेतन बैठ गया और दोबारा रोते हुए बोला, पता है चांदनी, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं माही को शादी के जोड़े में देख सकूं, हम साथ हो, हमारा भी एक परिवार हो, लेकिन सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया चांदनी। कि तभी वीर सिंह और काशी उन दोनों के पास चले आए। काशी जी ने वीर सिंह की ओर देखा और धीरे से चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चांदनी समय आ गया है। ये सुन चांदनी की आंख से आंसू के कुछ कतरे गिर गए लेकिन फिर भी वो चेतन की ओर देख बोली, चेतन उठो, माही को उसके अंतिम पड़ाव तक वीर भैया के साथ तुम्हें ही पहुंचाना है, मुझे नहीं पता ये तुम कैसे करोगे लेकिन थोड़ी हिम्मत करो चेतन। ये कहकर चांदनी एक बार जोर से रो दी। माही को अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा चुका था, उसे साधारण कपड़े पहनाए गए थे। जैसे ही चेतन और चांदनी सब लोग आंगन में पहुंचे तो गांव की कुछ महिलाएं और गांव के ही आस पड़ोस के लोग अर्थी को घेरे खड़े थे। जैसे ही चेतन की नजर माही पर पड़ी तो चेतन काशी जी की ओर देखते हुए बोला, पापा मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं माही को अपनी पत्नी के रूप में देख सकूं। मैं चाहता हूं कि इसकी आखिरी यात्रा एक सुहागन की तरह हो। इतना कहते हुए चेतन ने घर के मंदिर से सिंदूर उठाकर माही की मांग भर दी। सभी लोग चेतन को हैरानी से देखने लगे लेकिन फिर उसकी इच्छा के अनुसार माही को एक सुहागन की तरह सजाया गया और फिर उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई। चार लोग माही की अर्थी को उठाए शमशान की ओर चलने लगे और बाकी लोग उनके पीछे। चेतन के आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। वहीं चांदनी और महिलाओं के साथ घर में ही रह गए। सभी लोग शमशान पहुंच चुके थे। धीरे धीरे जता की तैयारियां शुरू हो गई। चेतन माही के जता के लिए जुड़ती हर एक लकड़ी को बड़े ध्यान से देख रहा था, साथ ही माही को मन ही मन याद कर रहा था। अचानक चेतन की नजर दूर खड़े कालदूत पर पड़ी। चेतन उठा और उसकी तरफ जाने लगा। तभी वीर सिंह उसे रोकते हुए बोला, क्या हुआ चेतन, कहाँ जा रहे हो? चेतन ने वीर सिंह की ओर देखा और केवल एक शब्द कहा, कालदूत। वीर सिंह ने फिर उसे नहीं रोका और वो चिता की तैयारियां शुरू करने लगा। इधर चेतन कालदूत के पास आया और उस पर गुस्सा करते हुए उसे धक्का देते हुए बोला, जब हमारी माही मर रही थी तो कहाँ थे तुम? कालदूत बोला, चेतन हमारी बात सुनो। लेकिन चेतन फिर उसे धक्का देते हुए बोला, तुम बचा सकते थे ना, तुम बचाया क्यों नहीं उसे, बोलो। कालदूत दोबारा बोला, बात तो सुनो हमारी चेतन। लेकिन एक बार फिर चेतन ने कालदूत को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोला, अच्छा फर्स्ट निभाया दोस्ती का, मर गई हमारी माही, मार दिया उस अजन्नाथ ने उसे। लेकिन अब की बार कालदूत चिल्ला कर बोला, बात सुनो चेतन,
हाँ नहीं बचा सका मैं माही को, नहीं बचा सकता था क्योंकि अनुमति नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था उसे, दुख मुझे भी है लेकिन मैं भी काल के आदेश से बंधा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और होना लाजमी भी है, लेकिन सुन लो मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि अपने दुख से बाहर निकलना तुम्हें बहुत जरूरी है। चेतन कालदूत की बात ध्यान से सुन रहा था, तभी वीर सिंह चेतन को आवाज लगाते हुए चिल्लाया, चेतन। कालदूत ने चेतन की ओर देखकर कहा, अब जाओ। चेतन कालदूत को घूरता हुआ वहां से चला गया। जैसे चेतन घाट पर पहुंचा तो वीर सिंह मुखाग्नि चेतन की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो चेतन और विदा करो माही को। चेतन ने भरी हुई आंखों से वीर सिंह की ओर देखते हुए कहा, ये क्या वीर, तुम माही के अपने हो, ये हक तुम्हारा है, तो फिर मैं कैसे। तभी काशी जी बोले, बेटे तुमने माही की मांग भरी थी तो तुम उसके पति हुए, इसलिए अब ये हक तुम्हारा है। ये सुनते ही चेतन के चेहरे पर आंसुओं की धार बहने लगी। चेतन मुखाग्नि को अपने हाथों में लेते ही माही को देख बोला, माही ये चेतन जन्म से तुम्हारा था और मैं कसम खाता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तुम फिक्र मत करना, जितने भी पल हमने साथ बिताए हैं वो सब याद बनकर मेरी यादों में जिंदा रहेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी बस उन्हीं लम्हों के सहारे काट दूंगा। जैसे चेतन ने माही को मुखाग्नि देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, रुको चेतन, चेतन कि मैं हूँ, तुम मुझे सुन सकते हो ना, मैं हूँ तुम्हारी माही। ये सारी आवाजें सुनकर चेतन के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा आ गया और वो मुखाग्नि वाली लकड़ी उसके हाथ से छूट कर गिर गई। चेतन मन ही मन बोला, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, किसकी आवाज थी ये, माही। चेतन को इस तरह सुनाई पड़ी आवाज क्या सचमुच माही की थी, क्या फिर था ये चेतन का भ्रम, क्या चेतन सामने आई इस उलझन को सुलझा पाएगा। जानने के लिए सुने होनी।